तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि मेरे पास सोनी ब्रावे की जो टीवी है, ये अब यहाँ पर सोनी के सर्विस सेंटर से मैकेनिक आए हुए हैं बनाने के लिए। ये टीवी अभी नई है, कम से कम 2 साल या 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं इसके, लगभग 2 से 2.5 साल के लगभग मैंने परचेस हुए। सोनी ब्राविया की सीरीज़ है और सोनी काफ़ी जाना माना ब्रांड है यहाँ पर, आप जानते हैं टीवी के मामले में तो सभी लोग मतलब प्रेफर करते हैं सोनी ले लो, सैमसंग ले लो। तो आई थिंक मेरे पास सैमसंग का भी टीवी है और ये सोनी का भी मेरे पास टीवी है। तो मेरे पास जो सैमसंग का टीवी है, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ उसको, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे सैमसंग के टीवी में नहीं हुई है। और यहाँ पर ये मेरे पास सोनी का टीवी मैंने उससे काफ़ी बाद में लिया हुआ था और ये टीवी देखिए अभी ख़राब हो चुकी है। इस टीवी में लाइट ब्लिंक होती है और यहाँ पर मैंने सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन करके मतलब सोनी कंपनी मैंने फ़ोन किया और सोनी वालों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो आपके चार्जेस हैं वो मतलब मैकेनिक के आने के चार्जेस अलग लेंगे और टीवी का चार्जेस अगर कुछ भी मतलब बनता है, उसमें कोई भी पार्ट्स लगता है तो उस पर आपको जो चार्जेस होंगे वो देने पड़ेंगे, सोनी ने वालों ने कहा। और अगर आपका मैकेनिक घर पे आता है और तो टीवी को आपने नहीं बनवाया तो भी आपको चार्जेस देने ही देने हैं और उस पर GST अलग से भी लगेगी। मतलब कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आपने सोनी के सर्विस सेंटर से किसी को बुलाया है और उसमें अगर किसी मतलब कोई भी पार्ट उसमें अगर चेंज होता है तो उसमें तो आपको पार्ट्स का जो पैसा है उसमें GST अलग से 18% ले रहे हैं। और आप यहाँ तक कि इनका जो मतलब विजिट करने आता है लड़का, उसमें भी ये लोग उसमें भी GST लेते हैं। तो मतलब अब यहाँ देख रहे हैं मतलब काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं भाई साहब ये, और यहाँ पूरे मतलब कोशिश लगे हुए हैं कि मतलब ये टीवी बन जाए। यहाँ पर पहले हमारे जो टीवी में लाइट फ्लैश होती थी 6 टाइम्स, फिर उसके बाद ये अभी थोड़ा बनाया इन्होंने और चेक किया, फिर से उन्होंने लगाया तो अब तो भी टीवी नहीं बना। फिर उसके बाद भी इन्होंने फिर अभी दोबारा खोला है, उसमें 5 टाइम फिर लाइट ब्लिंक हो रही थी। अब ये देखिए फिर कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि टीवी बन जाए। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं पूरे मतलब भाई साहब कोशिश पे लगे हुए हैं कि किसी तरह का से ये टीवी बन जाए, क्योंकि इसमें कंपनी वालों ने कहा कि भाई आपका पूरा पैनल मतलब ख़राब हो चुका है। तो मतलब पैनल नहीं ख़राब है, मतलब उन्होंने कहा कि पैनल मैं पूरा चेंज कर दूंगा, इसमें कोई भी फॉल्ट हो जाता है छोटे छोटे फॉल्ट के लिए लोग सीधा पैनल ही चेंज करते हैं। तो भाई साहब और उसमें आपका जो कॉस्ट होता है मतलब आप उतने में तो नई टीवी ले लेंगे। अभी इसमें जो 32 इंच का मात्र टीवी है और इसमें सोनी ब्रावे की सीरीज़ है, वो भी स्मार्ट टीवी भी नहीं है, तो इसमें जो इसमें कॉस्ट आ रहा भाई साहब ये 13,500 रुपये ले रहे हैं कि मतलब 13,500 रुपये आपको मतलब कि कह रहे हैं कि मैं पैनल चेंज कर दूंगा और आपको 13,500 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भाई साहब 13,500 रुपये ले रहे हैं सोनी वाले और मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने कहा यार इतने में तो मेरा नया टीवी आ जाएगा। तो भाई साहब ये सोनी के सर्विस सेंटर से आए, इन्होंने कहा भाई कोशिश करेंगे मैं आपका टीवी कम कॉस्ट में बना दूँगा, मगर भाई साहब मैंने इस पर मतलब भाई साहब लगे हुए हैं मतलब किसी तरह बन जाए और मतलब टीवी चालू हो जाए। बट अभी आप देख रहे हैं कि मतलब ये हर तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हो कैसे कैसे बना रहे हैं, कैसे कैसे बेचारे मतलब लगे हुए हैं। और यहाँ पर फाइनली 13,500 रुपये मैं तो फ़िलहाल नहीं देने वाला क्योंकि मुझे 13,500 में तो भाई मैं कुछ पैसा और डाल के नहीं टीवी ले लूँगा। और मैं अभी यही प्रिफर करूँगा भाई साहब कि कोई भी सोनी का टीवी ना खरीदे, क्योंकि सोनी का टीवी मतलब देख रहे हैं मतलब मैं तो कसम कान पकड़ लिया मैंने, आज के बाद मैं किसी को भी प्रिफर नहीं करूँगा कि सोनी का टीवी कोई ख़रीदे, क्योंकि सोनी नाम का बस बेवकूफ़ बनाता है और कुछ नहीं। और सैमसंग इससे अच्छा आपको लेना है तो इससे अच्छी क्वालिटी में आपको सैमसंग मिल जाएगा, आप सैमसंग का टीवी ले लीजिए, मैं कहूँगा सैमसंग इससे 100 गुना बेस्ट है। और आप सोनी लेंगे तो समझ लीजिए आपका पैसा दाढ़ है, या तो उसको हमेशा आप उसकी वारंटी मतलब लगा के ही रखो भाई साहब, नहीं तो आपका टीवी तो गया और आपके पैसे भी गए। और यहाँ पर इन्होंने इतना प्रयत्न करने के बाद भाई नहीं बना, मतलब टीवी तो बना ही नहीं, इन्होंने कहा फाइनली आपको 13,500 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं बनवा नहीं पाऊँगा टीवी को, मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए कि मैंने करना ही नहीं है, मुझे टीवी बनवाना ही नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि बनाने के बाद भी देखिए अभी टीवी ऑन देखिए सिर्फ सोनी लिखा है और टीवी बंद हो जाएगा और ये देखिए लाइट फिर से फ्लैश होना नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कोई भी सोनी के टीवी ना खरीदे। तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।